goals. आपसे जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। किसी भी टाइप का पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स लगाते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे, या तो हम उसको पुश करेंगे या फिर हम उसको पुल करेंगे, ये फोर्स कहलाता है। अब फोर्स दो टाइप के होते हैं। नहीं, इससे पहले इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो आपने देखा होगा कि फोर्स के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, यानी कि हम उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी के शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्पॉन्ज, अगर हम स्पॉन्ज को प्रेस करेंगे यानी कि उस पर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया तो वो स्क्वीज होता है और उसका साइज छोटा हो जाता है। तो हमने देखा कि हम उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, एक अगर बॉलर बॉल फेंकता है, एक क्रिकेट बैट्समैन जो होता है वो हिट करता है, तो बॉलर बैट्समैन की डायरेक्शन में आती है पर वो हिट करता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो आपने देखा कि डायरेक्शन चेंज होता है। अब आप देखोगे कि उसकी स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और हमने उसी डायरेक्शन में उस पर और फोर्स अप्लाई किया तो वो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, यानी उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। अब फोर्स के दो टाइप होते हैं, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, इस पर 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन का, तो नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। हमें अगर किस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो हमें फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, यानी कि हमें फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो फिर हमने फिर अप्लाई किया 5 न्यूटन का, फ्रिक्शन में भी फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन का, तो फिर नेट फोर्स 0 आया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। ये होता है बैलेंस फोर्स, यानी कि नेट फोर्स 0। और हम अगर बात करें अनबैलेंस की, यानी कि अगर हमने इस ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेट फोर्स होगा 5 न्यूटन, यानी कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में हमेशा मूव करता है। अब एक साइंटिस्ट ने क्या लिखी हो, उन्होंने कुछ आइडियाज रखे मोशन के बारे में और उन्हीं आइडियाज को एक्सपैंड करके और उन्हीं पे थ्योरीज बना के हमारे एक साइंटिस्ट इजाक न्यूटन, उन्होंने हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर कोई वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। इसको प्रूफ करता है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी।